ठीक है, चलो फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन क्यू प्लस टू एन इज डिविजिबल बाय, ऐसे केस में तो सीधा सीधा एन का कोई वैल्यू डाल दो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर डालो वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस टू दैट इज थ्री, तो एन इज डिविजिबल बाय थ्री, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो क्लास में किया है, एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो मैंने तो बताया था कि इसकी कंडीशन क्या होती है, ये पैराबोला कर दिया होगा, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, तो ये आएगा वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ऐसा कुछ आता है। अब यहां से अगर आप देखोगे 4x से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू कितना है 3, और यहां से m का वैल्यू निकालोगे तो लाइन का स्लोप कितना है -1। अब अगर आप वहां पे देखोगे एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको अगर आप चाहो तो लिख दो माइनस एक्स प्लस के, तो बेसिकली जो देखा जाए कि ये जो वैल्यू है यही तो k के इक्वल आने वाली है, तो k का वैल्यू क्या आएगा, माइनस टू ए एम क्या है -1, माइनस ए कितना है 3, एम क्यूब क्या हो जाएगा फिर से -1, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 3 दैट इज व्हाट 9। ठीक है, ये पहले भी किया हुआ हम लोगों ने। इसके बाद द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएंगे 7, टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखेंगे तो 2n होता है, और अगर आप प्रॉपर सबसेट देखोगे तो क्या आएगा 2n-1, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे, सर्वे शोज दैट, यार ये भी क्लास में किया हम लोगों ने, इसका आंसर सी आया था, ये हम लोगों ने क्लास में ही किया अभी कुछ ही दिन पहले का, कॉन्जुगेट ऑफ 1/2 + i, ये भी किया हुआ है, अभी ही किया हुआ ये वाला भी क्वेश्चन हमने, तो इस केस में क्या हुआ था कि कॉन्जुगेट लिखना है, तो पहले तो आपके पास नंबर क्या है, z इक्वल टू 1/2 + i, फिर हमने क्या बोला 2 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा पेपर वही दिखाई पड़ रहा है, मतलब मिक्स क्वेश्चन है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकालना होगा तो 2 - i + 5 हो जाएगा, खत्म, i by 5, sorry not plus 5, i by 5। फिर x, ये वाला भी क्वेश्चन किया हुआ था जहां पे डिमोइवर्स थ्योरम लगाई थी, चलो अच्छी बात है, ये सारे क्वेश्चन एक बार और रिवाइज हो रहे हैं। बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1 एंड मेकिंग एन एंगल विद द y एक्सिस इक्वल टू द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y माइनस सॉरी x माइनस y इक्वल टू 4 विद द x एक्सिस। देखो ये क्या कहानी बोल रहा है, ये समझते हैं, हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, वो कह रहा है कि वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, चलो ठीक है, अगर स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया जा सकता है। अब स्लोप के लिए क्या बोल रहा है कि दैट लाइन मेकिंग एन एंगल विद द वाई एक्सिस, मतलब कि वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस से उतना ही एंगल बना रही है, अब वो किधर से भी बना सकती है, जितना कि ये लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है। अब ये लाइन जरा देखते हैं क्या है, ये लिखी हुई है वाई इक्वल टू एक्स माइनस 4, और अगर ये लिखिए y इक्वल टू एक्स माइनस 4 तो सीधी सी बात है कि इसका m जो होगा वो आएगा 1 और इसका थीटा आएगा 45। अगर ये x एक्सिस से 45 बना रही है तो y एक्सिस से 45 बना रही होगी, यही तो होगा, अगर वो y एक्सिस से 45 बना रही होगी तो ऑब्वियसली x एक्सिस से भी तो 45 ही बनाएगी, बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप भी क्या हो गया 1 ही हो गया। अब पॉइंट तुम्हारे पास दिया हुआ है, बेसिकली देखा जाए तो 0, 1 यानी कि y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, नहीं ऐसा गिवन नहीं है, बोल रहा है कि पहली वाली लाइन y के साथ जो एंगल बना रही है दूसरी वाली लाइन x के साथ उतना एंगल, ये गिवन है। अब वो तो बाय चांस एंगल ही 45 आ गया है तो 45 में तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, वो x के साथ बनाए चाहे y के साथ बनाए, वो तो सेम ही हो जाएंगे, तो फिर वो 30 बनाना पड़ता है। यस, समझ में आ रही बात, तो वहां से जब आप निकालोगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन लगाओगे। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन ए डायरेक्ट है, cos a को साइन ए लिखो 1/sin a, sec a को 1/cos a लिखो, आंसर क्या आ जाएगा 1, खत्म हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो दोनों लाइन सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 0 है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन ए बाय बी प्लस बी बाय ए चाहिए, बी उसने बोला नेगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान से देखो उसने बोला बी नेगेटिव है। अब देखो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा यहां से -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा बी,
बाई ठीक है बी बाई टू सॉरी सॉरी बी बाई टू करेक्ट है। तो जब आप यहां पे लिखोगे तो क्या आएगा, टू ए बी इक्वल टू बी या टू ए बी माइनस बी इक्वल टू जीरो। यहां से अगर आप b कॉमन लोगे तो क्या आएगा, टू ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब आप क्या बोलोगे, इधर b इक्वल टू जीरो और a इक्वल टू हाफ। अब ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया b नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है कि आपको a इक्वल टू हाफ लेना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन थी वन, ये थी इक्वेशन टू। अगर आप a का वैल्यू हाफ यहाँ पे डालते हो तो b का वैल्यू क्या आएगा, माइनस थ्री माइनस हाफ यानी माइनस सेवन बाई टू। अब a और b आ गया, अगर a और b आ गया तो a बाई बी प्लस बी बाई ए निकाला जा सकता है। अब आप सीधे सीधे वैल्यू निकालो, बाई बी क्या जाएगा, माइनस वन बाई सेवन प्लस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस का सेवन। तो माइनस सेवन माइनस वन बाई सेवन आ रहा होगी। हाँ हाँ वो भी लगा सकते हो। हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो, बी की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस सेवन बाई टू आ गई, वो रख दो वहां पे, तो माइनस सेवन बाई फोर आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वहां से भी आएगा आंसर। ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन, अच्छा ये व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या है, वो बोल रहा है। देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा फोर डिग्री इक्वेशन है, तुम एक्स स्क्वायर को टी ले लो तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स टी प्लस ट्वेंटी फाइव। देखो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे गट फीलिंग्स ही आ रही है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में से कोई ना कोई तो तुम्हें मिलेगा पक्का, ऐसी गट फीलिंग मुझे आ रही है। अभी नहीं मिलेगा तो किस्मत खराब मान लेना अपनी, अगर मिल जाएगा तो उनको रट के चले जाना, ठीक है ना। तो अब जब इसका सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एंड वन, फैक्टराइज करोगे ना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, माइनस ट्वेंटी फाइव टी माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव फिर वो सब। अब आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखोगे यहाँ पे 25 एंड 1, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस आ गया, डन ओके। इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू, देखो हार्मोनिक मीन की जो कंडीशन होती है पहले जरा उसको समझ लो। हार्मोनिक मीन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है कि अगर मैं लिखूंगा 1 अपॉन पी 1 अपॉन एच एंड 1 अपॉन क्यू तो ये ए पी में आ जाएगा, ऐसा होता है हार्मोनिक मीन का कंडीशन। तो बोल रहा है कि एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू क्या होगा, नहीं देन द वैल्यू ऑफ, हाँ एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखो इससे तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि 2 डिवाइडेड बाई एच कैन बी रिटन एज 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू, और अगर आप एच को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू क्या आ गया, 2 खत्म। ठीक है, अगेन गट फीलिंग है इस क्वेश्चन के लिए भी। क्या 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 अभी रेसिप्रोकल होगा, जब पी एच क्यू एच पी में है तो उनका रेसिप्रोकल ही तो एपी में आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये गलत है एक्चुअली, इसने लिखा है द फर्स्ट सेकंड एंड द मिडिल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड द मिडिल टर्म नहीं दिया जा सकता, या तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देगा या ऐसे बोलेगा कि दो नंबर उनके बीच का टर्म है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गलत है। आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देन देयर सम इज इक्वल टू, वैसे तो देखो अगर वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे दे, इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताओ क्या है, आप ले लो इसको 1, 2 एंड 3, इन तीनों का सम क्या आएगा 6, ऑप्शन में देख लो किससे आ रहा है 6, जिससे 6 आ रहा होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यार लिटरली कुछ फूक के आया, मैं बोल रहा हूं मिडिल टर्म यहां पे गलत दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड, अब मिडिल किसका लेगा, अगर मिडिल इसके बीच में डाल दिया तो सेकंड तो ये हो गया। मैं बोल रहा हूं कि ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, या तो इसको थर्ड टर्म लिखना चाहिए था या फिर ऐसा बोलता कि दो टर्म के बीच में हमने सी को डाला है, ऐसा कुछ बोलता है, ये गलत दिया हुआ है, लैंग्वेज इसकी गलत दी हुई है। अच्छा जब मैं ये बोल रहा था तब तू क्या कर रहा था,
द नंबर ऑफ वेज इन विच एम इंटू एन स्टूडेंट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग एम सेक्शंस इज। अब ये जो केस है ये बेसिकली देखा जाए तो ग्रुपिंग का केस है, ठीक है। और ग्रुपिंग के केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल एम इंटू एन स्टूडेंट्स है, अगर हमारे पास एम सेक्शन बना दिए गए तो हर एक सेक्शन में कितने कितने बच्चे जाएंगे, एन 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 जाने चाहिए, क्योंकि देखो ये हुआ सेक्शन वन, फिर ये सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, ऐसे कितने हो गए टोटल सेक्शन, एम सेक्शन बनाने। अब एक सेक्शन में एन स्टूडेंट, दूसरे में एन स्टूडेंट, तीसरे में, चौथे में, तभी तो जाकर के जब सबके सब काउंट करोगे तो टोटल कितने आ रहे होंगे, एम इंटू एन स्टूडेंट आ रहे होंगे। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि इतने स्टूडेंट है उनको इतने ग्रुप में डिवाइड करना है। तो उसका फॉर्मूला अब डायरेक्टली बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, इसको हम बोलते हैं इक्वल ग्रुपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पहले जो टोटल स्टूडेंट है उनका फैक्टोरियल रख दिया करो कहां पे, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय हर एक ग्रुप, क्योंकि इक्वल ग्रुप है, सब में कितने कितने आ रहे हैं यहाँ पे, एन 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 आ रहे हैं, तो एन का फैक्टोरियल बनाओ एंड होल पावर करो एम, मल्टीप्लाइड बाय जितने इक्वल ग्रुप बने हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करो। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा एक चीज और है, अगर हाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये तो क्या हो गई, ये हो गया केवल ग्रुप बनाना, लेकिन अगर ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हम मल्टीप्लाइड बाय एम फैक्टोरियल करते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो ये करना है, अगर सिर्फ ग्रुपिंग करनी होगी और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम इतना काम करेंगे। फिलहाल तो क्या है कि अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचा हुआ आंसर हमारे पास ये, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं बी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, इन्होंने ऑप्शन ही नहीं डाल रखा, बहुत अच्छे। वैसे होना क्या चाहिए, नहीं 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 सी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे सी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, ये याद रखो इसका आंसर ये। अगर ये क्वेश्चन आ जाए बाई चांस तो उसमें डाल देना कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इक्वल ग्रुपिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, किसी भी बुक में जाकर के देखोगे तो तुम्हें इक्वल ग्रुपिंग का स्टैंडर्ड इसी फॉर्म में ही दिया जाएगा, ठीक है। नहीं देखो तुम अभी फिलहाल मैंने क्या बोला कि आईएमयू ने तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हम टिक करोगे तभी मार्क देंगे, टिक नहीं करोगे तो मार्क नहीं देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं दिया, तो तुम छोड़ सकते हो क्योंकि उस पर तो नेगेटिव मार्किंग है ना, तुम सीधा सीधा छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन नंबर नोट कर लो या उसकी डिटेल नोट कर लो, रफ पेपर तो होगा, बाद में उनको मेल कर देना कि मेरा पेपर नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये गलत था, इसलिए मैंने नोट किया, खत्म। हाँ हाँ तो ये हटा देना, सिर्फ इतना रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके मूविंग ऑन। द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, सेवन डिजिट दी हुई है, सो दैट द डिजिट डू नॉट रिपीट एंड द टर्मिनल डिजिट्स आर इवन। अच्छा अब ये देखो टर्मिनल डिजिट्स उसने क्या बोला, इवन, सिक्स डिजिट का नंबर बनना है तो दो, एक दो तीन चार और ये बन गया, यहाँ भी इवन आना चाहिए और यहाँ भी इवन आना चाहिए, बीच में कुछ भी आता रहे में फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम जरा देखो इवन कितनी है, इवन है अपने पास 2 4 6, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 2 4 6 यही है ना, चॉइसेस देना स्टार्ट करते हैं, बॉक्स मेथड मैंने पहले ही बताया था, अगर आप इसको चॉइस दोगे तो कितनी चॉइस आई, 3, और फिर इसको चॉइस दोगे तो कितनी आएगी, 2, टर्मिनल वाला काम सॉर्ट हो गया। अब अपने पास कितनी डिजिट बची, 5 5, टोटल 7 डिजिट है ना, 7 में से 2 ही तो यूज हुई, अब कितनी बची, 5, तो 5 में से यहां चॉइस देना स्टार्ट करो, 5 4 3 2, तो जब आप इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, 3 2 6 इनटू, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा होगा 5 फैक्टोरियल, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी है। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+2 ऑफ द इंटीजर 240। अब 4n+2 वाले कौन से होंगे, 4n+2 वाले
इसको ऐसे देखो ना, इसको 2 × 2n+1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है नहीं, तो 2 × ऑड नंबर, यही तो हुआ। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए है जो ऑड मल्टीप्लाइड बाई 2 करके आ रहा हो, तो जरा देखो यहां पे ऑड मल्टीप्लाइड बाई 2 करके क्या आएगा, 1 है एक ऑड, 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 तो 2 आएगा और 2 इसका डिवाइजर है, एक्सेप्टेड। फिर दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3, 3 × 2 करोगे तो क्या आएगा 6, वो भी है। फिर 5 × 2 करोगे तो क्या आएगा 10, वो भी है। फिर 7 × 2 करोगे तो क्या आएगा 14, वो तो नहीं है। फिर 7 के बाद दूसरा क्या आएगा, 9 × 2 करोगे तो क्या आएगा 18, 18 देखो है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। 11 × 2 करोगे तो क्या आएगा 22, नहीं है। 13 × 2 करोगे तो क्या आएगा 26। तो ऐसे करके तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने आ रहे हैं, 13 × 2 से नहीं आ रहा, 15 × 2 करो 30 होगा ना, 17 × 2 करो 34 नहीं होगा, 19 × 2 करोगे 30 नहीं होगा, 21 × 2 करोगे तो 42 हो सकता है, देखो जरा एक बार, नहीं होगा। तो ऐसे करके तुम काउंट कर सकते हो। उसका वैसे दूसरा मेथड भी बन सकता है मेरे ख्याल से, अगर हम इतना ना करें तो। हम इसको सीधे सीधे ऐसे देख लेते हैं ना, 240 को हम फैक्टराइज करते हैं, 240 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 16 हो गया, 3 × 5 ये आ गया, यही तो है। अब एक 1 लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, तो हमें एक मिलेगा 2 × 3 से और एक मिलेगा 2 × 5 से, 2 × 3 वाला ये हो गया, 2 × 5 वाला ये हो गया, 2 × 1 वाला ये हो गया, और एक मिलेगा 2 × इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी 15 से, तो वही हो गया। तो टोटल हमारे पास 4 ही आ गया, 4 होगा, ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, नहीं तो चेक करने बैठेंगे तो बहुत देर तक बैठे रहेंगे। नेक्स्ट, 4 कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच नो कपल फाइंड्स अ प्लेस। मतलब 4 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। अब 4 मेंबर की कमेटी में वो क्या बोल रहा है कि कोई कपल नहीं होना चाहिए, कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा या फिर वाइफ सेलेक्ट होगी। तो अब हर एक कपल में से क्या करना है तुम्हें, कपल नंबर 1 में से एक को सेलेक्ट किया, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, फिर कपल नंबर 2 में से एक को सेलेक्ट किया, फिर कपल नंबर 3 में से एक को सेलेक्ट किया, बन गई कमेटी, कितनी हो गई 16, खत्म। या हस्बैंड या वाइफ, तो दो दो चॉइस दे दी सबको, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये 3 दिए हुए। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोगों ने पूछ लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा तो बड़ा है। इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप सेकेंड टर्म निकालोगे तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, NC1 एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू ए, ये कितना दिया हुआ 240। दूसरा क्या है, थर्ड टर्म एक्स, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना है 720। और तीसरा क्या दिया है, NC3 एक्स पावर एन माइनस 3 ए क्यूब, ये कितना दिया हुआ है 1180। लोग जनरली ये टर्म लिखने में ही डर जाते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं डरोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा यहां से। अब अगर तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, NC1/NC2, और ऊपर वाले में से क्या आएगा, ऊपर वाले में से x बचेगा, नीचे वाले में से बचेगा a, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/3, है ना। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, NC2/NC3 इंटू एक्स बाई ए, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जरा देख के बताओ कितना बच रहा है, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 72 और 118 है, 3 नहीं आएगा, 36 3 देखो कितना होता है, 108 आता है, 1180 दिया हुआ है इसने। चलो ठीक है, हम इसको अभी फिलहाल 72/118 लिख देते हैं, ये आ गया। अब क्योंकि हमें बात करनी है किसकी, हमें तो बात करनी है n की, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं ताकि x बाई ए भी खत्म हो जाए।
अब यहां से क्या बचेगा, एन सी वन अपॉन एन सी टू डिवाइडेड बाई एन सी टू अपॉन एन सी थ्री, तो यहां से क्या आ रहा होगा, ये आ जाएगा वन बाई थ्री और ये 72 और ये 118। इसको देखो जरा, थ्री से तो डिविजिबल नहीं है, तो चलो ठीक है, बाद में उसको देखते रहेंगे, टू से डिवाइड करके देख लेंगे, फिलहाल तो हमें ये देखना है। तो ये पता है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन क्या आता है? नहीं पता, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर बाई चांस गलती से तुमसे किसी ने प्रॉपर्टी ही पूछ ली तो तुम तो बैठे रह जाओगे। एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही है तो भी कोई इशू नहीं है, आप एन सी वन का वैल्यू डालोगे एन, एन सी टू का वैल्यू क्या आएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और दूसरे वाले एन सी टू का वैल्यू भी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और एन सी थ्री का वैल्यू क्या आएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स, ये आएगा। काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, दोनों एन कैंसिल हो गए, एक एन माइनस वन कैंसिल हो गया, टू थ्री जा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा होगा, 118 अपॉन 3 इंटू 72 ये आ रहा होगा। तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इधर पे अपना बच रहा है एन माइनस टू, ये टू ऊपर जाएगा तो इंटू टू, ये थ्री एन माइनस वन के साथ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 118 अपॉन 72, तो हम ये थ्री थ्री भी था, थ्री को यहीं कैंसिल कर देंगे, टू से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ रहा है 59। अब 72 इधर लेके आओ, 72 n माइनस 72 इज 144, और ये क्या आएगा 59 n माइनस 59, टर्म्स रीअरेंज करो, 72 माइनस 59 कितना आएगा 13 n, 114 माइनस 59 करो कितना आ रहा है 55। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि क्वेश्चन में कहीं तो इसने झोल कर दिया है। कितना आ रहा है 85 आ रहा है, चेक करो फिर 144 यार मैं ही कर लेता हूं, 85 आ रहा है, 85 आएगा, 55 कैसे आएगा यार, 85 अपॉन 13, 13 से तो तब भी नहीं जा रहा है ना, नहीं गड़बड़, मेरे ख्याल से यहां पे इसको करना चाहिए था 1080, तो इसका कुछ करेक्ट आंसर आ पाता अगर ऐसा करता। चलो एक बार जरा 1080 डाल के देखते हैं, तुम देख रहे हो ना क्वेश्चन बहुत बड़ा है, छूने की कोशिश मत करना, अभी मैं करके दिखाऊंगा, आ जाएगा तो वहीं के वहीं वैसे के वैसे आंसर लगा करके चले आना, क्योंकि इन लोगों ने मिस्टेक तो कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था, यहाँ करना चाहिए था 720 अपॉन 1080, 1080 करोगे 36 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2/3। अब जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो n मतलब पूरा एक्सप्रेशन में वही वाला लिख रहा हूँ जो अभी हमने किया था, अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय n इंटू एन माइनस 1/2 n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये कैंसिल, ये 2 3 6, एन गया एन गया एन माइनस वन गया, एन माइनस टू था ये, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 times एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 times एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 n - 4 2 8 एंड ये आएगा 3 n - 3, तो एन का वैल्यू आ रहा होगा 8 - 3 दैट इज 5 दिया है कोई आंसर? नहीं बेटा, 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी 1080 यहाँ पे होना चाहिए था, ये इनका मिस्टेक है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो आंखें बंद करके 5 ठोक देना और आकर के बता भी देना कि तुमने क्या गलती करी है, तुमने नहीं मतलब इन्होंने क्या गलती करी, इनको मेल कर देना तुरंत के तुरंत। इसके बाद आगे आते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो बाई इस बार के पेपर में इन्होंने बाइनोमियल के क्वेश्चन दिए, और मैंने पहले भी बोला था कि इस बार के पेपर में बाइनोमियल के क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसलिए तैयारी ढंग से करके जाओ। अब इसका जनरल टर्म निकालो पहले, तो जनरल टर्म क्या आएगा, अगर हम बोलेंगे टी आर प्लस वन तो तुम बोलोगे इट विल बी 10 CR फर्स्ट टर्म रेस टू द पावर 10 - R एंड सेकेंड टर्म रेस टू द पावर R, ये आएगा। तो हम इसको क्या लिखें, और ये किसके इक्वल बोल रहा है, अच्छा कोफिशिएंट चाहिए,
अच्छा एक्स पावर फोर, ठीक है सॉरी। तो इसको ऐसा लिखो टेन सी आर, एक्स की पावर एक साथ कलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्या आ रहेगा टेन माइनस आर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू आर आ रहा होगा, तो इट विल बी टेन माइनस आर माइनस टू आर इज माइनस थ्री आर। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा टू पावर टेन माइनस आर, न्यूमिनेटर में क्या जाएगा माइनस थ्री पावर आर। अब हमें इसको किससे इक्वेट करना है, हमें इक्वेट करना है इसको फोर से, क्योंकि तो हमें एक्स की पावर फोर की बात करनी थी, तो जो भी एक्स की पावर है उसको फोर से इक्वेट करो। तो थ्री आर का वैल्यू कितना आ जाएगा सिक्स, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा टू, आर का वैल्यू टू आ गया तो कोफिशियंट निकालोगे तो क्या आ रहा होगा टेन सी टू माइनस थ्री पावर टू अपॉन टू पावर टेन माइनस टू। अब वो आंसर निकालना है जो यहां से निकालना पड़ेगा, तो कैसे आएगा टेन क्या एक्स टू दी एक्स की पावर को तो इक्वेट करोगे भाई फोर से, किसका किसका कोफिशिएंट निकालना है, यहां पे एक्स पावर क्या लिखा है, अगर ये फोर हो जाएगा तो हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमने इसको फोर कर दिया। तूने इसका मतलब बाइनोमियल का लेक्चर पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। और मतलब तुम देखो आयरनी देखो, पूरा समाज YouTube पे वीडियो देख रहा है और जिसमें मैं बता रहा हूं कि बाइनोमियल के आने के चांसेस है, इस बार अपनी ही क्लास के बच्चे नहीं देख रहे। हाँ कोई बात नहीं। टू पावर एट कितना होगा, छह बताओ टू पावर एट कितना होगा, 256। ठीक है, नाइन इंटू नाइन इंटू फाइव करो, फोक देना, याद कर लो क्वेश्चन, अगर ये आ जाएगा तो यही उड़ा देना। ठीक है ना, गलत बात है। ये किसने बोला छोटा आता है, भैया पिछले बार का पेपर आसान आ गया था तो तुमने उनकी जिम्मेदारी ही मान ली है कि हर बार वो आसान ही देंगे। ठीक भाई, मैंने ये बोला था कि 50 में से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 वो लेंदी ही देते हैं। ठीक है, तो जो टॉपर होते हैं वो टॉपर इसीलिए तो होते हैं कि वो ये सब करके जा रहे होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था लाइन दिस 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 आर कॉन्करेंट, तो ये कॉन्करेंसी की कंडीशन मैंने स्ट्रेट लाइन में बताई थी कि जो भी कोफिशियंट होते हैं उनका एक डिटरमिनेंट बनाओ, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर, ये आएगा क्यू आर पी, फिर ये आएगा आर पी क्यू, और ये हो जाता है जीरो। अब लेकिन तुम्हें इसको ओपन करना तो आता ही होगा, पता ना, अगर नहीं भी आता है तो इसको रट लो। ये जो डिटरमिनेंट होती है इसकी वैल्यू को पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है थ्री पी क्यू आर माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू जीरो। तो आंसर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कौन सा, सी। रट्टा मार लो, अगर ये आ गया, पर हो सकता है आ जाए, तो आप सीधे सीधे ठोक करके आ जाना, पहले मैथ ही कर लेना जाकर के। मैंने अच्छा तूने मतलब ये भी नहीं देखा कि मैंने कैसे बताया पेपर अटेम्प्ट करना है, 1 घंटे में पूरा पेपर देख लेना। हाँ 1 घंटे में जब आप पूरा पेपर देखोगे ना, तो तुम्हें 60 to 70 क्वेश्चन में गारंटी दे रहा हूं ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस होंगे और धड़ाधड़ उड़ाते हैं। यस, अब ये बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है ताकि इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाए। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब आते हैं भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो तब आते हैं जब लैम्डा मतलब इनके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। मैंने बनाया था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम वाले में, तो आप बनाओगे ये थ्री माइनस वन फोर, वन टू माइनस थ्री एंड सिक्स फाइव माइनस लैम्डा, इसको आप क्या करोगे, इसको करोगे जीरो, तो ये आएगा थ्री इंटू माइनस टू लैम्डा प्लस 15 माइनस माइनस प्लस वन माइनस लैम्डा प्लस 18 प्लस फोर 5 माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 6 लैम्डा प्लस 30, यहाँ से क्या आएगा माइनस लैम्डा प्लस 18, और यहाँ से आएगा माइनस 7 फोर माइनस 28। तो
तो लैम्डा का वैल्यू क्या रहा है? ओ सॉरी 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 45, 45 प्लस 18 माइनस 28, और ये आ रहा माइनस 7 लैम्डा। तो 40 18 माइनस 28 कर दोगे तब तो ये 10 ही आ गया ना, और वो आ जाएगा 35। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 5 प्लस 5, लैम्डा का वैल्यू प्लस 5। ये क्वेश्चन यार महाराष्ट्र बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की जो बुक होती है ना उसका क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और वो बोल रहा है लॉग ऑफ ए प्लस 2b बताओ। तो देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 4। मुझे लग रहा है कोई महाराष्ट्र का ही बंदा है जो ये पेपर बना रहा है इस तरीके के, मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वहीं से उठाया गया है। इवन दूसरा वाला भी जो लॉग के दो क्वेश्चन डाल दिए इसने, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4ab दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 16ab। अब दोनों साइड पे लॉग लोगे, यहां भी लिया लॉग और यहां भी लिया लॉग, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ a प्लस 2b, और यहां पे क्या आ रहा होगा, लॉग 16 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। तो देखो किससे आ रहा आंसर। अच्छा log 16 को आप ऐसा भी बोल सकते हो 2 पावर 4, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। अब इधर वाला 2 होल डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कौन सा आंसर है, हाँ सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये नंबर डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो इरेशनल ही होगा। A, B, S, Q, symmetric matrix of an odd order determinant of A, 0, ये तो direct property है, इस पे भी कुछ। अब देखो ये तीन question मिल गए, दो question तो तुम्हें मिल ही गए ना इस पेज पे, जिन पे हमें कुछ सोचना ही नहीं है। If T is an identity matrix of order 3, then T square plus 2T is 3T, क्योंकि identity matrix तो I होती है ना, उसकी कुछ भी power करो तो वही रहेगा। रेंज ऑफ द फंक्शन, अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब अच्छा क्वेश्चन क्या, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 3x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल फंक्शन है वो केवल कॉस 3x है। अगर आप देखोगे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है तो खुद ही बोलोगे कि सर ये माइनस 1 से प्लस 1 होता है। अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, यही रहेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी इधर उधर हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, ये 1 और ये माइनस 1 बन जाएगा, वो भी ऐसे लिखा जा सकता है। 2 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 ऐड करोगे तो ये, 2 ऐड करोगे तो 3, रेसिप्रोकल करोगे तो ये रहेगा 1, ये आएगा 2 माइनस कॉस 3x, और ये आ जाएगा 1/3, 1/3 से लेकर के 1 खत्म। तो चेंज करोगे तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 बन जाएगा ना, वही तो किया, एक कर लो ना इनइक्वालिटी रिवर्स, उसमें क्या फर्क। देखो 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 देखो, चलो वो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 इनइक्वालिटी रिवर्स, ये दोनों सेम चीज लिखी है या अलग अलग लिखी है, ए कैसे आएगा यहां, जीरो कहां से आ रहा है, प्लस 2 करोगे तो जीरो कहां से आ रहा है, क्या खाया था तुझे उसको, कुछ नहीं बेटा, देखो खाना चाहिए साथ में, सिर्फ नहीं फूंकना चाहिए, मजाक की बातें चल रही हैं यार यहाँ पे, कोई नहीं बेटा मैं ऐसे हवा से बातें कर रहा हूँ। Which of the following function is an even function? Even function कौन सा होता है, जहाँ पे x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया जाए तो फंक्शन एज इट इज रहे, कौन सा वाला है भाई, बताओ 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 कौन सा है। fx, देखो
यहां पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ। अब ये तो इवन नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो यहां पे आने लगेगा माइनस और यहां पे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। हालांकि इसके हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको ऑड तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये इवन फंक्शन नहीं है। दूसरे पे चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये आया। तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल पावर माइनस वन, ये यहां आएगा तो माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। यानी ये भी कैसा आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी इवन नहीं है। अब क्या करें, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे जाओगे तो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए पावर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखते हैं, तो जाएगा माइनस एक्स, ये ए पावर माइनस एक्स होगा, इसको वन अपॉन ए पावर एक्स लिख लो, यहाँ पे भी वन अपॉन ए पावर एक्स माइनस वन लिख लो, एलसीएम लो तो बाहर माइनस एक्स ही पड़ा है, ये आएगा वन प्लस ए पावर एक्स, वन माइनस ए पावर एक्स, डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला माइनस यहाँ घुसा दो तो ये तुम्हें क्या दिखने लगेगा, ए पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए पावर एक्स माइनस, ये है इवन, ये एफ एक्स के इक्वली आ रहा है, इसलिए ये कैसा है, ये इवन फंक्शन है। आई बात समझ में, होपफुली माइक का साउंड। नाउ द वैल्यू ऑफ लिमिट, देखो लिमिट, लिमिट क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय सिक्स, एक्स क्यूब बाय सिक्स यहां पर ही है, होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर फाइव, ये करना है। वैसे तो क्या है, इसको करने का एक अपना तरीका है जिससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि तुमने साइन की सीरीज तो पढ़ी है नहीं, एलएच रूल से ही करोगे, करते क्या रह जाओगे, चार स्टेप लगेंगे। अब बिल्कुल, अब आप एलएच रूल ही लगा सकते हो और कोई दूसरा सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें सीरीज तो पता नहीं है साइन की। तो ये आएगा कॉस एक्स माइनस वन और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय थ्री एक्स स्क्वायर बाय सिक्स आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे क्या आएगा, फाइव एक्स पावर फोर। अब इसके बाद फिर से करो तो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव फोर जा, अब फिर से एलएच लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वन सिक्सटी एक्स स्क्वायर, फिर एलएच लगाओगे तो ये क्या आएगा, साइन एक्स वन ट्वेंटी, अब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, वन, आंसर क्या आएगा, वन अपॉन वन। एलएच ही लगाना है तुम्हारे पास ऑप्शन में, सीरीज नहीं पता है तो एलएच लगाओ, ओके, ऑप्शन में है 120। अब ये देखो, इसने बड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बना रखा है, अब की बार का मुझे लग रहा है पेपर बेटा हार्ड आने वाला है तुम लोगों का, y equal to sin power nx cos nx then dy by dx, कौन सा रिडक्शन फॉर्मूला भाई, इंटीग्रेशन में होते हैं रिडक्शन फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन में नहीं होते हैं, प्रोडक्ट रूल है। dy by dx करोगे तो ये आएगा sin power nx, cos nx को क्या लिखोगे, माइनस साइन nx इंटू nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n प्लस cos nx इंटू साइन पावर एन एक्स का क्या होगा, एन इंटू साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां से देखो कौन सा वाला आ रहा है, अच्छा यहां से कुछ कुछ चीजें कॉमन आएंगी, चलो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से एन कॉमन आ रहा है, साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, माइनस साइन के साथ में साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स, और यहां क्या बचेगा, cos nx into cos x, तो ये क्या हो गया, cos a cos b minus sin a sin b, that is cos of a plus b, तो cos of a plus b करोगे तो क्या जाएगा, cos of nx plus x, यानी n plus 1 x, खत्म, ये ऑप्शन करेक्ट है।
ये ऑप्शन करेक्ट है, इज दैट क्लियर? कोई वो नहीं है इसमें रिडक्शन फॉर्मूला और कुछ नहीं, दो स्टेप का क्वेश्चन है और ट्रिगो का एक फॉर्मूला लगना है बस। ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में कराया है यार, अपने क्लास के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन किया गया पैरामेट्रिक फंक्शन वाला। यहां पे आप क्या करोगे, डी एक्स ओवर डी थीटा निकालोगे पहले, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, फिर थीटा साइन थीटा का करोगे तो थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज वन, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, ए थीटा कॉस थीटा ये आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन वन, तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी ए थीटा साइन थीटा, तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो इट विल बी टेन थीटा, खत्म। आंसर क्या आएगा, टेन थीटा। देन ये बोल रहा है ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग है, तो ये कब डिक्रीजिंग हो सकता है, जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स निकालो तो ये क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस के, और ये होना कैसा चाहिए, हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें ये पता है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट टू, पता है ना, तो सीधी सी बात है कि k का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन रूट टू। अगर ग्रेटर देन रूट टू होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा, या k को इधर ले आओ तो k कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन रूट टू हो जाए तो वो हमेशा कैसे, खत्म। द टू कर्व्स, ये मैंने क्लास में करवाया था, कट एट राइट एंगल्स, ये जब पेपर हमने सॉल्व किया था तब मैंने करवाया था, दीज टू कर्व्स आर कटिंग एट राइट एंगल, ये पहले एग्जाम में आ चुका है, एक एग्जाम में, ये किसमें था, शायद 2018 या 19 वाले किसी में था, हाँ वो वाला जब मैंने करवाया था उसमें था ये वाला क्वेश्चन। अ पर्टिकुलर प्लेट एक्सपैंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 5 टू दिस द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, हाँ तो कैसे निकालोगे, अरे बोलो भाई, इसका फॉर्मूला ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होता है उसको हम ऐसे करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो उस पर्टिकुलर पॉइंट में और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो चेंज आ रहा होता है वो यहां से मिल जाता है हमें, डी वाई बाई डी एक्स से मिल जाता है इंटू डेल्टा एक्स से मिल जाता है। रेडियस तो तुम्हें पता चली चुकी है, जब एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा ए और ये हो जाएगा डेल्टा आर, ये क्या होगा, इसकी जगह पर डालो चेंज इन एरिया, यहाँ पे डालो डी ए बाई डी आर और यहाँ पे डालो डेल्टा आर, ये तो डाला जा रहा है। अब एरिया का फॉर्मूला अगर रेडियस के टर्म्स में देखोगे तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, अब डी ए बाई डी आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी टू पाई आर, ये तो आएगा, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ उसने 5, और डेल्टा आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.6, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो डी ए बाई डी आर का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 2 पाई इंटू 5 और डेल्टा आर का वैल्यू क्या है 0.06, तो ये 5 टू जा 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू 0.6 आ गया है, तो सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा अपने आप, पाई पता ना कितना होता है 3.14, समझ में आ रही है बात। इसके बाद एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, इफ दिस इक्वल टू दिस सी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, अच्छा इंटीग्रेशन दिया हुआ है देन के का वैल्यू चाहिए, ठीक है ठीक है, तो भाई ये तो क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है 2 पावर x, यहाँ लिखा हुआ रूट ओवर 1 माइनस 2 पावर 2x dx इक्वल टू के टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 2x, यही तो लिखा है। ये अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आप 2 पावर x को रखोगे t, तो 2 पावर x log 2 क्या आ जाएगा dt, dx इक्वल टू dt, तो 2 पावर x dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन log 2 dt, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा 1 माइनस t स्क्वायर, तो जब सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स t तो आपको दिख ही रहा है, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन log 2, खत्म बात।
सिंपल है ये, सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन है। देन वन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ये दिया हुआ है, तो वन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कैसे करोगे इसको? और आंसर देखो हाफ एंगल में दिया है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे जाएगा और वहां हाफ एंगल फॉर्मूला रखोगे तो क्या करेगा, फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कैंसिल, टू निकाला बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को ऊपर लाए तो आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा वन बाई टू बाहर था, ये आएगा टेन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय वन बाई टू, टेन एक्स बाई टू प्लस सी, क्लियर है ना? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये तो अभी तुम पूछ ही रहे थे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो मैंने बोला कर्व बना लो, पहला वाला कर्व बनाओगे ओपनिंग डाउनवर्ड, पैरा बोला है रूट निकालने होंगे तो रूट निकाल देना जीरो से इक्वेट करके, तो जीरो और टू इसके रूट्स आ गए, जीरो वन टू थ्री ऐसा बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का जा रहा होगा। लाइन क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स इसको कहीं यहाँ पे कट कर रही होगी, मैंने सॉल्व करके बताया था अभी कि हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनाया वाई इक्वल टू माइनस एक्स, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यूज क्या आएंगे, जीरो एंड थ्री, तो जीरो से थ्री के बीच में निकालना है, ये है आपका एफ एक्स और ये है आपका जी एक्स, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के थ्री तक, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाना चाहिए क्योंकि ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स है ना, तो हमें क्या मिल रहा होगा थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स को निकालोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू थ्री, तो जीरो डालने का तो सेंस है नहीं, थ्री डाल लो डायरेक्टली, तो ये क्या रहा होगा, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन बाई टू और ये आएगा ट्वेंटी सेवन बाई थ्री यानी कि नाइन, ये कितना आ रहा होगा नाइन बाई, क्लियर है, तो फाइनल आंसर इज नाइन बाई टू, तो ये क्या थर्टी सिक्स, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, अच्छा यहां पे टेन एक्स वाला भी रखा है, एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर एंड एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया, देखो जरा इसको देखते हैं, जरा कर्व बनाते पहले, टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होता है, ये बोल रहा है कि पाई बाई फोर पे एक पॉइंट होगा, जरा पाई बाई फोर पे जो पॉइंट देखोगे तो पॉइंट क्या आएगा, पाई बाई फोर और टेन पाई बाई फोर करोगे तो क्या आएगा वन, अब टेन यहां पे कह रहा है कि इसकी टेंजेंट बना दो, यही तो बोल रहा है, तो बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू टेन एक्स टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, मतलब कि इस एरिया की बात करी जा रही है, हमें अगर किसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए जो कि बहुत आराम से मिल जाएगी क्योंकि कर्व क्या है वाई इक्वल टू टेन एक्स, पॉइंट क्या है ये है वाई डैश निकालोगे तो क्या आएगा टेन एक्स का क्या जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो यहाँ पाई बाय फोर डालोगे तो sec पाई बाई फोर क्या होता है रूट टू, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा टू, तो लाइन की इक्वेशन आएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो यहां से जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन आ गई, आ गई। आप कोई बोलेगा कि यार ये कहाँ पे कट कर रही है, ये निकालना है हमें, ये भी तो निकालना है, कहाँ पे कट कर रही है, तो आप बोलोगे कि x इंटरसेप्ट निकालना है, y को जीरो करो, तो जब y को जीरो करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा पाई बाई फोर माइनस हाफ, तो ये जो पॉइंट a था सपोज कर लेते हैं ये a था, तो ये पॉइंट a क्या आ गया, ये आया पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉमा, अब देखो एक तो तुम्हें ये पता ही है पॉइंट, ये वाली लेंथ तुम्हें पता ही है,
कितनी है, 1 है। ये वाली लेंथ तुम निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अगर इसको मैं b मान रहा हूं तो तुम बोलोगे दिस माइनस दिस करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय, तो ये हाफ आ जाएगी क्योंकि पाई बाय 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ आ गई। यानी इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बाय 2, 1 इंटू हाफ। इस ट्राइंगल के एरिया को मैं ले रहा हूं ए टू, ठीक है, तो वो जो ए टू एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 बाय 4 आ रहा है। और एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व यानी कि टेन एक्स वाला कर्व, उसको मैं ले रहा हूं ए वन। तो जब मैं ए वन निकालूंगा तो मैं ए वन कैसे बोलूंगा कि इट विल बी 0 टू पाई बाय 4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स dx। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या जाएगा, एल एन सेक एक्स, और कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाय 4। जब वैल्यू डालोगे तो लॉग ऑफ sec पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, रूट टू, sec 0 जाएगा 1, तो ये आ गया लॉग रूट टू। तो जब मैं फाइनल एरिया निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, ए वन माइनस ए टू। तो जब आप ये निकालोगे तो क्या आएगा, लॉग रूट टू माइनस 1 बाय 4, यानी सी करेक्ट आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, एरिया अंडर द कर्व में अभी तक आईएमयूसीटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। मजा तो आ रहा होगा, मोर और लेस। कभी कभी उसके कुछ दो चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे तुम देख ही रहोगे। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो मैंने पहले तो उसको हम फॉर्म में लिख लेंगे, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू टू अपॉन एक्स, ऐसा कुछ इक्वेशन आ रही होगी। अब जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं, ई पावर जो भी वाई का कोफिशियंट है वो क्या, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये क्या आ रहा होगा, ई पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे पहले पूछा जा चुका कहीं पे, लेकिन अभी भी चलो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी इंटू एक्स प्लस रूट सी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। एक ही बार डिफरेंशिएट होगी ये, क्यों एक बार डिफरेंशिएट होगी, क्योंकि एक ही है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो यह आएगा टू वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू टू सी, तो बाहर ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, रूट सी का हो गया 0। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सी का वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो यहां से क्या आ रहा होगा, 2y स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, वाई वाई डैश इंटू एक्स प्लस रूट ओवर वाई वाई डैश। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक मान लो हमने y कैंसिल कर दिया, फिर हम y डैश को यहां ले गए, इवन y डैश को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, हमें क्या दिख रहा होगा, y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू रूट ओवर वाई वाई डैश। फिर हम इस टर्म को वहां लेकर के जाएंगे और होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई वाई डैश, और यहाँ होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा वाई डैश का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई डैश का क्यूब इंटू वाई। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो ऑर्डर आएगा 1 और डिग्री आएगी 3, ऑर्डर 1 एंड डिग्री, क्लियर है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहां पे एक्स और वाई के टर्म्स को बहुत आराम से इंटरचेंज वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किया जा सकता है। कैसे कर सकते हो आप, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ विद अ माइनस साइन, फिर इंटरचेंज करो तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इंटीग्रेट करोगे तो टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स सी लिख सकते हो, डी ऑप्शन करेक्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ पीरियड 2 पाई बाई एन,
पीरियड 2π/n, ये वैसे एक बार फिजिक्स में, क्योंकि ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन फिजिक्स में मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वैल्यू होता है ना 2π/n, ओमेगा स्क्वायर टी करते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका आंसर सी होना चाहिए, बट फिर भी एक बार मैम से कंफर्म कर लेना इसके लिए, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस, यस, फॉर विच द लाइन एक्स कॉस थीटा मान लेते हैं उसको, प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी इक्वल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशियंट 2q, अच्छा ठीक है, और ये है वाई, और ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, तो वही करेंगे बेसिकली। हम करेंगे क्या यहाँ पे कि सेंटर निकाल लो, मैं सोच रहा था और आसान तरीके से निकाला है, सेंटर आ जाएगा 2q cos θ एंड 2q sin θ, और रेडियस निकाल लो तो रूट ओवर g² + f² करना पड़ेगा, तो वो तो आ जाएगी 2q, रेडियस आ गई। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, रेडियस मिलनी चाहिए, तो जब टेंजेंसी की कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, तो जब मैं इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये आ जाएगा 2q cos²θ प्लस 2q sin²θ माइनस पी अपॉन, हम दोनों का रूट लोगे तो 1, और ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 2q के इक्वल आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि 2q - p इक्वल टू 2q, तो p का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है यहाँ से, अच्छा मॉड में आ रहा होगा, सॉरी दिस इज इन द मॉड, तो हम क्या बोलेंगे कि 2q - p कैन बी ±2q, जब +2q करोगे तो p का वैल्यू 0 हो रहा होगा, और -2q करोगे तो इसका वैल्यू आ रहा होगा 4q, तो 0 एंड 4q आना चाहिए, लेकिन आंसर में तो उसने 2q दिया हुआ है। एक सेकेंड में मिस्टेक चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, हाँ मिस्टेक है, मिस्टेक है, ये जो सेंटर है ना, ये एक्चुअली मैंने 2 ले लिया, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा, तो ये 2 जो हर जगह पर लग रहा था ये नहीं लगेगा, तो यहां भी 2 नहीं आएगा और यहां पे भी 2 नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, 0 और 2 क्यों आ रहा होगा, करेक्ट आंसर है 0 और 2 क्यों, मेथड वही है, बस मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी वहां कैलकुलेशन। रूट ओवर g² + f² - c, यहां c नहीं था, माइनस c भाई, दिखा देना, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, अच्छा एंड ऑफ द डायमीटर देन द अदर एंड, एक एंड दिया हुआ है दूसरे एंड की बात कर रहा है, तो भाई यहां पे पहले तो सेंटर निकाल लो, सेंटर क्या हो जाएगा 4,2, डायमीटर का एक एंड क्या दिया हुआ है -3,2, तो दूसरा एंड निकालना होगा तो उसको ले लो x1, y1, अब लगाओ मिड फॉर्मूला, तो x1 - 3/2 = 4, तो x1 कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, और ये 11, 11 से एक ही है, ठीक है, गुड गुड टू गो। आगे चलते हैं, लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इज द टेंजेंट टू द पैराबोला, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मैंने अभी बताया था कि इसका पैराबोला का टेंजेंट क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिखाई पड़ रहा है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो जब आप इसको इस 1 से इक्वेट करोगे बेसिकली ए बाई एम क्या आना चाहिए था, ये 1 आना चाहिए था, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो एम का वैल्यू भी क्या आएगा 1, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो क्लियरली दिख रहा है हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के, और एक्स वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है, होल स्क्वायर बनाओगे तो हाइपरबोला आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, तो भाई इसकी इलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालनी है, पहले लिखो 9x², यहां से 5 कॉमा निकालोगे तो x² - 6y होल स्क्वायर बनाना होगा, तो +9 - 9 करेंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा 9x² + 5 times y - 3 का होल स्क्वायर, 9 × 4 = 5 = 45, इसको इधर ले आओ 45 से डिवाइड करो तो x² / 5
प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू वन। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर क्या है फाइव और बी स्क्वायर क्या है नाइन, लेकिन एक चीज याद रखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लेसर है, तो जब इस केस में सेंट्रिसिटी निकालोगे तो वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करोगे तो आएगा 4/9, इस सेंट्रिसिटी क्या आएगी 2/2। इज दैट क्लियर? ठीक है, द पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर दिस 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 फॉर्म, ये पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास ए बी सी डी और उनके पोजिशन वेक्टर दे दिए गए, तो सीधी सी बात है कि आप पहले तो ये वेक्टर फाइंड आउट कर लो कि वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी, क्योंकि हमें ये निकालना है ना कि वो स्क्वायर बना रहा है रेक्टेंगल बना रहा है पैरलोग्राम बना रहा है, वो सब वहीं से पता चलेगा। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे तो हम बोलेंगे बी माइनस ए तो आएगा माइनस सिक्स आई, माइनस सिक्स जे तो माइनस टू जे प्लस थ्री के, फिर वेक्टर बी सी निकाल लो तो वेक्टर बी सी क्या जाएगा माइनस आई तो माइनस टू आई और प्लस थ्री जे माइनस सिक्स के, फिर वेक्टर सी डी निकाल लो, सी डी निकालोगे तो कहां से आएगा यहां से आएगा तो आएगा सिक्स आई माइनस सेवन माइनस प्लस टू जे एंड के माइनस फोर के इज माइनस थ्री के। देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है और इक्वल भी है, तो पैरेलल और इक्वल होते हैं तो कैसा बनना चाहिए पैरेलोग्राम बनना चाहिए, तो पैरेलोग्राम तो फॉर श्योर ये तो क्लियर हो गया कि पैरेलोग्राम होना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहां से देखो मॉड ऑफ ए बी निकाले तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 36 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि 7 आ रहा है, इसका भी मॉड निकालोगे तो भी आ रहा है 7, यानी अब ये पैरेललोग्राम क्या बन गया रोम्बस, सारे इक्वल आ रहे हैं तभी तो रोम्बस बन गया, लेकिन स्क्वायर होने का भी तो चांस हो सकता है, अगर ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो तो स्क्वायर भी तो बन सकता है, तो अब ए बी डॉट बी सी करके देखो, अगर ए बी डॉट बी सी करके देखोगे तो आएगा 12 माइनस 6 माइनस 18, नहीं तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या रहेगा ये रोम्बस का केस बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्या क्या हाँ, तो ए बी ऊपर जा रहा होगा सी डी नीचे जा रहा होगा, पैरेलल होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस ये है, आप करो क्यों नहीं कर सकते, वहां माइनस ए बी आ जाएगा। अरे ऐसे होगा ना भाई, अगर आप रोम्बस बना रहे हो यहां से ए बी गया तो ये सी डी ऊपर से नीचे, ए बी वेक्टर ऊपर बन रहा है और सी डी नीचे बन रहा है, ऐसा है ना, क्लियर है? ठीक है, वन सेट कंटेनिंग फाइव नंबर्स हैज अ मीन 8 एंड वेरियस 24 एंड द सेकंड सेट कंटेन थ्री नंबर हैज अ मीन 8 एंड वेरियस 24, द वेरियंस ऑफ द कंबाइंड सेट, वेरियंस का फॉर्मूला याद है ना बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस नहीं, जो श्रद्धा मैम ने क्लास में मीन एंड वेरियंस कराए थे वो याद है, वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही था, तुम लोग यार कौन सी दुनिया में हो, अरे तो वीडियो तो देख सकते हो ना यार, उस टाइम नहीं तो इसका क्या मतलब है, जाओ ढूंढो जाकर के, मैं नहीं बताने वाला। बैग ए कंटेन टू व्हाइट एंड थ्री रेड बॉल्स, बैग बी कंटेन फोर व्हाइट एंड फाइव रेड बॉल्स, चलो ये मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बैग ए कंटेन टू व्हाइट एंड थ्री रेड बॉल्स, बैग बी कंटेन फोर व्हाइट एंड फाइव रेड बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, देखो बैग ए और बैग बी, अगर मैं बैग ए सेलेक्ट करता हूं, सपोज करो मैंने क्या सेलेक्ट किया बैग ए और फिर मैंने क्या सेलेक्ट किया बैग बी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल ही रहनी चाहिए क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज दी नहीं गई है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो इक्वल ही रहेगी,
अब बैग ए में से अगर रेड बॉल सिलेक्ट की जाती है तो ये आती है 3/5, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/5। और यहां से अगर रेड बॉल सिलेक्ट की जाती है, रेड बॉल की बात हो रही है ना, तो ये कितना आएगा 5/9। तो अगर टोटल रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी देखी जा रही होती तो तुम क्या बोलते, ये आता 1/2 × 3/5 और यहां पे क्या आता 1/2 × 5/9। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछ ली है इनवर्स प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम लग रही है यहां पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे हेड और टेल हो गया ना वही उसी के। अब अगर आप देखोगे कि रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो इतनी है, लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर वो बी से ड्रॉ की गई है तो ये आएगा फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो जब हम प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फेवरेबल होगा 1/2 × 5/9 डिवाइडेड बाय टोटल क्या आएगा 1/2 × 5/9 प्लस 1/2 × 3/5। तो ये 1/2 तो पूरे में से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या आ रहा होगा 5/9 / 5/9 प्लस 3/5। वैसे इनवर्स प्रोबेबिलिटी आज तक इसमें पूछी नहीं गई है आज तक। तो अगर तुम्हारी बहुत ही मतलब जबरदस्त किस्मत होगी ना, तो हो सकता है तुमसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आज तक नहीं पूछी गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ रहा होगा 5/9। तुम खुद ही देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कितना बड़ा हो गया है। पहले तो ये बनाना पड़ेगा ट्री डायग्राम, फिर उसके बाद आप ये करोगे। तो 25 + 27 कितना हो जाएगा 52 एंड 5/9, तो ये 9/9 कैंसिल होगा, 25/52 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है, ये ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो मतलब मुझे लगता है बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, पर अगर आएगा तो तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। और अगर मैथ का पेपर ऐसा ही आ जाए तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना, मैथ के ऊपर फोकस मत करना, इजी क्वेश्चन मत छोड़ना बहुत लोग। हाँ एक चीज और भी देखो, अगर पूरा पेपर डिफिकल्ट आ जाए, बहुत लोग सोचते नहीं मैं तो 140 ही ठोकूंगा, डिफिकल्ट आ गया तो क्या हुआ। अगर पेपर इतना डिफिकल्ट है कि हिल ही नहीं रहा है तुमसे 100 क्वेश्चन के आगे, तो जबरदस्ती मत ठोक करके आ जाना, क्योंकि जो डिफिकल्ट तुम्हारे लिए आया है वो बाकी सबके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 2/3, बी कैन सॉल्व इज 3/4, इफ बोथ अटेम्प्ट द प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम गेट सॉल्व का मतलब ए ने कर लिया बी ने नहीं कर पाया, या बी ने कर लिया ए ने नहीं कर पाया, या दोनों नहीं कर लिया, या उसको और सही तरीका पता क्या था, 1 - दोनों ने नहीं कर पाया। जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसमें हम क्या बोलेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी दैट दोनों ने सॉल्व नहीं कर पाया। कभी आएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है तो आप क्या बोलोगे, 1 P of A bar × P of B bar। अब P of A bar कितना आएगा, 1 - 2/3 का बार करोगे तो 1/3 आ जाएगा, इसका 1/4 आ रहा होगा, तो 1/12, तो आंसर क्या आएगा 11/12। तो जो बचा हुआ था उसमें कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा ना, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था फिलहाल मैथ की कहानी। ये जो पेपर है ये अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर है, अगर ऐसा पेपर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैथ के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं और बाकी दूसरे पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जिससे आपको ज्यादा आंसर मिल पाए। ओके चलो जी।